ही इज ऑस्कर, शी इज मीला. ऑस्कर एंड मीला. गाड़ी का भी कोई नाम रखा वैसे कि नहीं? मैं इसी तरह की हूँ, मैं अपनी गाड़ी को बहुत प्यार से मैं रखती हूँ और मैं उससे बातें भी करती हूँ, और जब कोई पॉट होल आके लगता है मुझे तो मैं उसको सॉरी भी कहती हूँ. अच्छा, तो आज हम वैसे यूजर आप लोगों के लिए एक यूजर रिव्यू लेके आए हैं. थोड़ा नॉन कन्वेंशनल स्टाइल से शुरू किया कि हम जरा डॉगी से वो हो रहे थे, क्लाइमेटाइज होने की कोशिश करते कि वो हमें पहचान लें, हम उनको. फरहान साहब के तो वैसे ही बड़े दोस्त हैं. ये आप पहले, सबसे पहले अपने जो गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बताएं हमारे यूजर्स के लिए. ये है होंडा सिविक जेन एक्स है ये, और इसको मैंने 2017 में लिया था. सही है. 9 महीने इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि इसकी बुकिंग इतनी ज़्यादा क्रेजी हुई हुई थी कि ये कलर नहीं दे रहे थे मुझे. 2016 में आई थी, तो उसके बाद एकदम बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया था. कलर आ तो गया, बट इस पर अगर कोई पास से भी गुजर जाए तो नज़र आता है कि कोई गुजरा था. हाँ, कि आप मुझे दिखा रहे थे कि आगे कोई निशान किसी ने मार दिया है, पीछे किसी ने मार दिया है, और ये सारी आपकी गलती से नहीं लगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने गाड़ी मारी नहीं है. सही है. आई एम अ पर्टिकुलरली सेफ ड्राइवर. स्पीडिंग करती हूँ, बट उस वक्त करती हूँ जहाँ मुझे पता होता है कि गुंजाइश है. आए अभी बैठते हैं, ड्राइव करते हैं और फिर आपसे डिस्कशन भी करते हैं कि कराची की ड्राइविंग और आपकी गाड़ी के बारे में क्या क्या सूरत हाल है. अच्छा, सो आपने ये बताया था कि आपने ये ली थी 2017 में, एंड वर यू ऑलवेज, इससे पहले भी होंडा चला रहे थे? इससे पहले भी होंडा थी, मेरे पास सिटी थी जो कि मेरी पहली गाड़ी थी, एक्चुअल अपनी गाड़ी जो मैंने पैसे जमा करके और उसकी किस्तें भर भर के बहुत मुश्किल से ली थी. लेकिन वो मैंने 10 साल चलाई गाड़ी, क्योंकि मैं लंबा रखती हूँ चीज़. अच्छा, वो 2007 मॉडल की सिटी थी जिसको हमारे यहाँ पे चूहा सिटी कहते हैं. 6-7 वाली, ठीक है. हाँ, 7-ish. तो हम हमेशा लोगों से समझने ये कोशिश करते हैं कि प्रिपरेशन था क्या. आपने 17 में व्हेन यू वर इन अ मार्केट टू बाय अ कार, डिड यू कंसीडर एनी अदर कार के मैं तो होंडा ही ले सकता मली आप हैं कि आपने क्या कहीं और. मैंने जब इसका देखा था ना फॉर द फर्स्ट टाइम द चेंज द न्यू सिविक जिसमें इनका पूरा बॉडी वगैरह चेंज था, आई वाज लाइक आई रियली लाइक दिस कार बिकॉज़ इट्स अ परफेक्ट स्पोर्ट्स कार, बट एट द सेम टाइम इट हैड दैट लग्जूरियस कराची के रोडों पे चल के यू नो सस्टेन करने वाली फील. आई रियली लाइक द डिजाइन. और उसके बाद जब मैंने स्पेक्स वगैरह की मालूमात की, मेरे जितने भी बॉय कजन्स हैं उनको मैंने इस काम पे लगाया, मैंने कहा चेक इसको कंपेयर करो दूसरी गाड़ियों के साथ विद इन द सेम बजट. ठीक है. उस टाइम पे आई थिंक दिस वाज अ वेरी स्मार्ट परचेस. 2017 में जब मैंने ये ली थी, मुझे बहुत अच्छी गाड़ी बहुत अच्छे प्राइस में मिली थी. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस टाइम पे 27-28 लाख रुपए की. या इंश्योरेंस वगैरह सब चीजें मिला के आप जितना कुछ मिला लें उसके अंदर, फिर भी इट कॉस्ट लाइक 2.93. सही है. चले 30 लाख की थी उस जमाने में. नहीं, और ऑप्शन कौन सी थी इसके कंपैरिजन में, कोई और भी थी कि नहीं? नॉट पर्टिकुलरली, नहीं, क्योंकि मुझे करोला के लिए बड़ा पुश किया था मेरे फादर ने, बिकॉज़ ही वाज लाइक तुम गाड़ी भगाती बहुत हो, यू नो थोड़ी स्टर्डी है, खड्डों में तुम्हें काम आएगी, ऑल ऑफ दैट. लेकिन जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि सिटी ने मुझे कभी तंग नहीं किया था बीइंग इन द होंडा फैमिली. आई एग्री, जो आपके वाले साहब ने कहा था रीजन ये कि एक तो ग्राउंड क्लियरेंस उसकी बेहतर है, कराची की सड़कें जैसी हैं, फिर रोड असिस्टेंस एंड वर्कशॉप नेटवर्क या जो है मैकेनिक वगैरह जो समझ. एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है, जैसे अगर कभी वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ी किसी चीज़ की, जैसे अगर गाड़ी का कोई पार्ट है या कोई मसला आ जाए तो इसका बड़ा देखभाल के इसको इसके ही घर भेजना पड़ता है. अगर हम करोला को देखें तो वो किसी भी मैकेनिक को आप देखे कह सकते हैं हाँ हाँ जी जी जी, दैट्स व्हाट आई मेंट बाय एक्सेप्टेबिलिटी के रोड साइड असिस्टेंस वर्कशॉप नेटवर्क सब कुछ. ये थोड़ा सा इसको हमें वो पैम्पर करना पड़ता है इस वाली गाड़ी. क्या फ्यूल एवरेज मिलती है? अब तो काफी टाइम हो गया. 8.9 to 10 ये करते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा खींच के चलाएंगे तो 7-8 करेगी, अगर प्यार से चलाएंगे तो 10 कर लेगी. हाँ, मैं खींचती बहुत हूं. वो मुझे आप नजर आ रहा है, अभी 8.1 नजर आ रही. कितने इंटरवल पे इसका एवरेज ऑयल चेंज होता है अंदाजन? Honestly, last जो मैंने, I think it's been over 6 months. ठीक है, months तो हो गए, लेकिन mileage भी note करती है कि 5,000, 10,000, 7,000, 3,000 के just. मैंने जो मेरे जो driver हैं, उनको मैंने बोला हुआ है कि आप नजर रखें, क्योंकि मैं भुलक्कड़ type हूँ, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें. सही है. तो वो उनका काम है, हर 2 महीने पे वो मुझे बोलते हैं अच्छा आप अब इसका ये 4 चीज़ें आपने चेक करवानी है, आप बताएं गाड़ी को मैं खुद ले जाऊँ या आप लेके जाएंगे. सही है. तो मैंने ये उनके जिम्मे लगाई हुई है. एंड इज इट हैवी ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट एज इन जब ये जाती है सर्विस के लिए तो अंदाजन कितना बिल आता है?
Anywhere between 15 to 25, depending कि क्या क्या इसमें मसाइल हैं. लेकिन honestly मुझे बार बार इतना नहीं भेजना पड़ता. Once in 6 months, once in 8 months. हाँ, इसे low mileage car तो basically तो 5000 किलोमीटर पे आपको oil ही change होना है. तो उस लिहाज से तो ठीक है. अच्छा, ये जो कराची के ब्रेकर हैं, स्पीड ब्रेकर स्लैश कार ब्रेकर, जितना मैंने चलाई है गाड़ी और मैंने इसको बारिशों में भी चलाया है और 2020 की बारिश में भी चलाया था जब इधर इधर तक पानी था. उसमें खड्डे भी नज़र नहीं आए थे, कुछ नहीं हुआ था. बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बुरी तरीके से नीचे लगी हो गाड़ी. सो ग्राउंड क्लियरेंस इज नॉट एन इशू. या नॉट एन इशू एट ऑल. इनफैक्ट आई थिंक इसकी ग्रिप पे बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज़ आई लव द फैक्ट कि गाड़ी थोड़ी लो है. मुझे भगाते हुए डर नहीं लगता इसको कि यू नो टॉपल ना हो जाए खुदा ना खास्ता. बिल्कुल ठीक. Are you aware of any known faults या आपकी गाड़ी में तो आए, क्योंकि एक स्टेयरिंग रैक का इशू था, एक इसके एसी के कंप्रेसर का इशू आता था और एक बैटरी ड्रेनेज का इशू था. एनी ऑफ दीज फेस्ड बाय यू? नहीं, थैंकफुली अल्लाह का शुक्र है. लाइक आई सेड, इस गाड़ी ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया. आई हैव नेवर हैड टू रिप्लेस एनी काइंड ऑफ पार्ट्स. कोई पर्टिकुलर ऐसी इसमें फॉल्ट नहीं थी जो मैं बहुत पछताई हूँ कि यू नो कुछ और ले लेती फलाना. नहीं, नथिंग एज सच. अच्छा, ये सनरूफ के बारे में भी मेरा एक सवाल होता है बड़ा. आपने भी ली फुल ऑप्शन गाड़ी, ली कभी, खोली? हाँ हाँ. आपको गाड़ी में उबलना है तो आप सनरूफ खोल सकते हैं. अच्छा, इसके जो हेड यूनिट है जी, मैं निकालवा के छोड़ूंगा, मैं भी आज मिशन पे हूँ. इसके हेड यूनिट जो है, इसकी कनेक्टिविटी ठीक है? नहीं, कहीं इसका मसला आया था. इसका एक जो अंदर USB कनेक्शन वगैरह दिया हुआ है, उस वो उसकी तारों में कोई इशू था या वो सही से प्लग इन नहीं हुआ हुआ था. इसने थोड़ा दुख दिया है मुझे उस सेंस में. मुझे वैसे भी इसकी फ्रीज के अलावा भी मुझे तो थोड़ा लगता है कि ओल्ड स्कूल से पहला, वेरी ओल्ड स्कूल. दूसरा रिवर्स कैमरा जब रिवर्स करके खत्म आगे जाने शुरू होते हैं तब शुरू हो रहा होता है, तो थोड़ा सा लैग आता है. और फोन पे भी अगर आप बात कर रहे हो ना तो अगला कहता है कि शायद नहीं करना चाह रहे आप. वो हेलो हेलो होता रहता है, बंदा कहता है कि यार मैं इसको डिस्कनेक्ट ही कर लूं. हाँ, सही. अच्छा, वैसे आप कराची में रहते हैं, ये सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि इंश्योरेंस कराई हुई है आपने गाड़ी? करवाई थी पहले 3 साल और फिर अब्बू ने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है इंश्योरेंस की, छोड़ो. और फिर मैंने हटा दी और जिस दिन हटाई है उसी साल किसी ने मेरी आगे पीछे से गाड़ी मार दी. आई वाज लाइक अब्बू थैंक यू सो मच फॉर बैड एडवाइस. नहीं, ऐसे मारने के अलावा भी मसला है हमारे यहाँ पे, तो खासतौर पे इतने सिक्योरिटी के हैजर्ड है. कोई पूरा पूरा यूनिट आके, आजकल तो नया शुरू है, व्हील उतार के ले जाते हैं. आई नो, गाड़ी कहीं भी पार्क करते हुए बहुत खौफ आ रहा होता है. लेकिन मुझे ये है कि अल्लाह तवक्कुल चल रही है. हमने अल्लाह जी मेरी गाड़ी का ख्याल रखेगा, मैं काम पे जा रही हूँ यहाँ पार्क करके. बाकी जो होना है वो तो होता है, यू नो व्हाट कैन यू डू. हाँ नहीं, बट जनरली मैं लोगों को भी एडवाइस करता हूँ, जितने व्यूअर्स हैं उनको भी एडवाइस करूँगा. हम लोगों ने पार्क वीज पे एक इंश्योरेंस पेज बना दिया. अगेन, आई डोंट सेल एनी इंश्योरेंस, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं. इट्स अ फ्रेंडली एडवाइस कि हम लोगों ने लिस्ट कर दी है जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं. और कई लोगों को होता है कि जी गैर इस्लामिक है, तो हमने उसके लिए आपका जो इस्लामिक उसके पैरेलल इंस्ट्रूमेंट है वो भी लिस्ट किया हुआ है. सो आप अपनी मर्जी की जो इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट डू चेक इट और करा लें, बिकॉज आजकल जो सिक्योरिटी के हालात हैं, गाड़ियों के पार्ट्स इतने महंगे हो गए. मतलब सीरियसली, ये गाड़ी आपने जितने की ली थी आज डबल नहीं तो कम से कम उससे बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं गाड़ी, और पार्ट्स ज़्यादा महंगे हुए हैं. अच्छा, मैं जब गाड़ी लेता हूँ हमेशा तो मुझे होता है कि यार मैंने ले तो ली है, बट अगर इसमें ये भी होता तो भी अच्छा था, ये भी होता. विश लिस्ट जो है वो तो कभी खत्म नहीं होती. तो आपकी विश लिस्ट इस गाड़ी को लेके क्या क्या थी कि जब आई तो आपने ले तो ली लेकिन आपने कहा अच्छा इसमें ये भी हो जाता, ये भी होता, वो क्या था? अच्छा, पहले तो जब ये आई द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली took the whole car in and I was like अच्छा, you know this is really good. फिर मुझे हुआ कि इसका इंटीरियर बेहतर हो सकता था. You know, I figured कि मुझे वो लेदर और वो सारी चीजें चाहिए थी. तो आपने काफी चीजें कराई हैं, मैं देख रहा हूँ सीट्स का लेदर बाद में हुआ है, ये 7D मैट्स हैं, ये भी आपने डाले. ये मुझे करने पड़े क्योंकि मेरे साथ हैं दो डॉगीज जो कि अलाउ नहीं है किसी भी नई हो. मैंने कहा था मैं तो नहीं हूँ, पीछे वाले को कह दो आपस में खुद ही डील कर ले. और वो किसी गाड़ी में अलाउड नहीं है. माय फादर इज लाइक, अगर तुम्हें अपने कुत्तों को कहीं लेके जाना है, चाहे वो वेट के पास हो, चाहे पिकनिक हो, चाहे कुछ हो, अपनी गाड़ी में डालो. ठीक है. सो व्यूज, अगर आप भी होंडा सिविक जो है 10th जनरेशन ढूंढना चाह रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो गूगल पर जाके पार्क व्हील सिविक एक्स लिख लें, सिविक 10th जनरेशन लिख लें, सिविक का मॉडल लिख लें,
गूगल में जाकर लिखते हैं सिविक 2016, 2017, आगे पार्कविल देखते हैं, तो जितनी भी लिस्टिंग है वो आपके सामने खुल जाएंगी और आप इजीली अपनी नई गाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं। याद रहे, यूज़ गाड़ी खरीदने से पहले इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल कर लें, क्योंकि आपको 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव चेक प्रोवाइड कर देगी सर्विस। घर बैठे हुए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इट्स अ हैसल फ्री सर्विस। सर्विस कॉल करने के लिए आप एंड्रॉयड और आईएस के ऊपर हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, या फिर यूएन नंबर है 04211 943357, उस पे भी कॉल कर सकते हैं। Alright guys, subscribe to Park Wheels and like करें, subscribe करें और space को follow करें, because it's absolutely fantastic. So viewers, ये था आज का व्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, अगर ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया नवीन आपके टाइम का, और आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।